हम लोग बात कर रहे थे कि सुसमाचार धार्मिकता के प्रकाशन का एक सत्य है, और पौलुस ये कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ है। प्रभु का धन्यवाद यहाँ पर विश्वासी है। वो कहता है कि पहले ये यहूदियों के लिए और फिर यूनानियों के लिए सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। तो अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को समझ नहीं पाते हैं और न ही उसके प्रति आपके पास प्रकाशन है, तो आपने सच में सुसमाचार नहीं समझा है। वो कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट की गई, यहूदियों की धार्मिकता से लेकर अन्य जातियों के विश्वास तक। वो कहता है जैसा कि लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि धार्मिकता सुसमाचार को क्रियाशील करती है, और विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सारी भली बातों में प्रवेश करते हैं, वो सारी भली बातें जो अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान की गई है। तो हमने रोमियो पहले अध्याय के द्वारा इस बात को बताना शुरू किया कि सुसमाचार धार्मिकता का प्रकाशन है। फिर हमने बात की थी कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, और अन्य जाति जो अपने आप को बुद्धिमान मानती है लेकिन असल में वह मूर्ख है और फंसे हुए विचारधारा में, मूर्ति पूजा में, अभिलाषा में। उसके पश्चात में हमने सारी अधार्मिक बातों के विषय में बात की, और फिर रोमियो दूसरे अध्याय में हमने यहूदी के विषय में देखा, या कहे जाए तो धार्मिक लोग। सिर्फ अन्य जातियों को ही धार्मिकता की आवश्यकता नहीं है, परंतु धार्मिक लोगों की भी आवश्यकता है। और यह कहता है रोमियो दूसरे अध्याय उसके 23वें वचन में, व्यवस्था के विषय में तो घमंड तो करता है लेकिन व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। तो इसलिए हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है, चाहे आप अन्य जाति या फिर धर्मी हो, हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है। फिर रोमियो तीसरे अध्याय में वो कहता है कोई धर्मी नहीं, हाँ कोई भी धर्मी नहीं। फिर वो आगे बढ़कर इसके विषय में बात करता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। प्रभु का धन्यवाद, यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाते हैं। आमेन। इसलिए मसीह में हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता है, और परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि वो अपने धार्मिकता की घोषणा कर सके उन बीते हुए पापों के पश्चाताप के लिए, ताकि वो धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे लोग धार्मिकता को प्राप्त करें। तो जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। यीशु परमेश्वर का स्तर है, और जब आप यीशु पर विश्वास करते तो 100% धर्मी होते हैं, और अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आप 100% अधर्मी व्यक्ति है। तो फिर आप या तो संत हो या फिर पापी हो, परमेश्वर के दृष्टिकोण से। और परमेश्वर आपकी आत्मा में आप कैसे हो वो इस बात को देखता है, जो आपने किया उसके कारण नहीं, जिस पर आप विश्वास करते उसके कारण ग्रहण किए गए। और जब आप यीशु पर विश्वास करते तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। और फिर वो आगे रोमियो 4 अध्याय में कहता है कि इसी रीति से हम लोग धार्मिकता पाते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। वो दाऊद का उदाहरण देता है अनुग्रह के रूप में। क्यों? क्योंकि दाऊद को अनुग्रह की आवश्यकता थी। सब कहे धन्यवाद अनुग्रह के लिए। आमेन। मैं प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह ने हमें बचाया, प्रभु के अनुग्रह ने हमें बदला। ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमें सामर्थ्य देता है मसीह जीवन जीने के लिए। ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद, हम लोग यीशु के अनुग्रह उसके ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। परंतु ये सिर्फ अनुग्रह की नहीं लेकिन विश्वास की भी बात है। अब्राहम को विश्वास के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब्राहम का इस्तेमाल विश्वास के रूप में इसलिए है क्योंकि अब्राहम को विश्वास की आवश्यकता थी। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो 97 वर्ष का है, वो अभी भी परदेसी राजा को कहता है कि उसकी पत्नी उसकी बहन है। वो तो परदेसी राजा के शयन कक्ष से अपने बीवी को बचा के रखने की कोशिश कर रहा था। असल में वो डर में काम कर रहा था। डर और विश्वास अलग अलग है, परंतु हम विश्वास में कार्य करते हैं। सिद्ध प्रेम सब भय को निकाल देता है, बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना 4 अध्याय में। गलातियों 5वां अध्याय हमें बताता है कि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को और उसकी भलाई को और उसके अनुग्रह को समझ जाते हैं, ये आपके विश्वास को क्रियाशील होने में मदद करेगा। ये आपके विश्वास को क्रियाशील करेगा, ऐसा यहाँ लिखा है। जैसा लिखा है गलातियों अध्याय 5 और वचन 6 में, ये कहता है कि ये खतना और खतना रहितों के विषय में बात नहीं, कोई भी बात उपलब्ध कराती है। प्रेम से विश्वास कार्य करता है, आपने जो किया उसके कारण है लेकिन जिस पर आपने विश्वास किया उसके कारण है। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं जो प्रभु का अनुग्रह है, और वो सब बातों को बदलता है। फिर हमने बात की रोमियो 5वें अध्याय में कि कैसे पाप और मृत्यु के बारिश से कैसे बचे, अनुग्रह और धार्मिकता की बारिश के द्वारा। सच में पाप का हम पर राज्य था, परंतु अब यह हम पर कोई राज्य और शासन नहीं करता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जय पा ली है। मसीह के द्वारा हम लोग इस जीवन में राजा के समान राज करते हैं। हमारा शैतान के सारे कामों पर अधिकार है। यीशु के नाम में हमारे पास अधिकार है।
धन्यवाद हो प्रभु का हमें अधिकार दिए गए। योना पहला अध्याय उसके बारे में वचन में बाइबल हमें बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का हक सामर्थ और अधिकार दिया, उनके लिए भी जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। जैसे ही आपने यीशु पर विश्वास किया आप अधिकार में जन्म लेते हैं। धन्यवाद हो आप सर्वसम्मति परमेश्वर के बेटे और बेटिया हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर का परिवार हो। यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो सब बातें तुम्हें वो देगा। आपको सामर्थ और अधिकार दिया गया है यीशु के नाम का इस्तेमाल करने का, और जब आप परमेश्वर के पास में यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए आते हैं ये मानो ऐसा है जैसे स्वयं यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि इसी प्रकार से उसने आपको मसीह में बनाया है, परमेश्वर ने आपको यीशु की धार्मिकता बनाया है, आप प्रभु के सम्मुख निर्दोष खड़े रहेंगे और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई भी विश्वास की समस्या नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में विश्वास को कार्य करने के लिए धार्मिकता एक नींव बन जाती है। क्या इसे समझ पा रहे हैं? अब हम थोड़ा आगे बढ़कर रोमियो 6:7-8 को देखेंगे और हम इस बात को देखेंगे हम कैसे मसीह में एक जैवन जीवन को जी सकते हैं। तो इसलिए वो इस बात को रोमियो 6 अध्याय में कहता है, वो हमारे यीशु के साथ में उस परिचय के विषय में बोलता है, सब कहे मेरा यीशु के साथ मेल है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वो मरा मैं भी मरा, जब उसे गाड़ा गया मैं भी गाड़ा गया, जब वो जीवित हुआ तो मैं भी जीवित हुआ, जब वो पुनरुत्थित हुआ मैं भी पुनरुत्थित हुआ, जब वो बैठा तो मैं भी बैठा, जब उसने राज किया तो मैंने भी राज किया। तो पहचान के साथ भिन्न तरीके पाए जाते हैं जो हम लोग पाते हैं नए नियम की किताबों में। मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मारा गया, मैं मसीह के साथ में गाड़ा गया और मसीह के साथ में मैं जीवित भी उठा, मैं मसीह के साथ में जिलाया गया, मैं मसीह के साथ में राज किया और मैं मसीह के साथ में राज करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो हम यीशु के साथ राज करते हैं, हम मसीह यीशु में उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए हैं। शैतान कहाँ है? वो हमारे पैरों के नीचे है, वहीं पर उसकी जगह है। आमीन। अब शैतान का हमारे ऊपर में कोई अधिकार या सामर्थ या कोई हक नहीं है। विश्वासी के नाते वो इस पापी संसार का एक स्वामी है, वो इस संसार के तंत्र का स्वामी है, परंतु वो हमारा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है और यीशु हमारा स्वामी है और हमारा शैतान के हर एक कामों पर अधिकार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। जब आप धार्मिकता को समझ जाते हैं तो आप शैतान के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं इसमें बदलाव आता है, आप शैतान के साथ में अलग व्यवहार करने लगते हैं। जब आप धार्मिकता को समझ जाते हैं तो लोगों के साथ में आपका व्यवहार बदल जाता है, और जब आप धार्मिकता को समझ जाते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को समझ जाते हैं, और जब आप समझ जाते हैं आपका आनंद किसी के सिर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं लेकिन आपका आनंद परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर आपके विषय में भले विचार रखता है और वैसे विचार आपको अपने आप के विषय में रखना है जैसे प्रभु रखता है। ये परमेश्वर के साथ में और लोगों के साथ में आपके संबंध को बदल देता है और शैतान के साथ में भी इस संबंध को बदल देता है। आमीन। और ये सब बातों को बदलना शुरू कर देता है जब आप पहचान को समझना शुरू करते हैं। मेरे साथ कहे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ में मरा, मैं मसीह के साथ में गाड़ा गया था, मसीह के साथ में जिलाया गया, मसीह के साथ उठाया गया, मसीह के साथ में बैठाया गया और मैं मसीह के साथ राज करता हूँ। हम यीशु के साथ राज करते हैं सारी प्रधानताओं पर, सारी सामर्थ पर और सारी शैतान की युक्तियों पर। धन्यवाद हो प्रभु का कि हम लोग अधिकार में जन्मे हैं, हम प्रभु के साथ में सही संबंध में हैं। और इसी विषय में वो रोमी 6 अध्याय में बात करता है, वो बात करता है पाप के लिए मरना। अगर आप जय में चलना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि पाप का आपके ऊपर में कोई भी अधिकार नहीं है और आपको ऐसे जीना है जैसे कि आप बिल्कुल नए व्यक्ति हो। और पौलुस इसके विषय में कहता है और रोमी 6 अध्याय उसके पहले वचन में वो कहता है कि हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो जाए? वैसे जीवन को जीव जैसा नया जन्म पाने के पहले मेरा जीवन था ताकि मैं अनुग्रह को पा सकूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा, पहली बात या तो आपने नया जन्म नहीं पाया, दूसरी बात प्रभु ने आपको जो बनाया उस बात को समझ नहीं पाए, आप प्रभु के अनुग्रह को समझ नहीं पाए। अगर आप प्रभु के अनुग्रह को समझ जाते आमीन, ये आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देता। तो उसके लिए उसका उत्तर है, प्रभु उसे रोके, प्रभु उसे रोके। इसी उत्तर का वो इस्तेमाल करता है रोमियो 3 अध्याय में जब वो कहता है कि उनका अविश्वास परमेश्वर के विश्वास को निरस्त करता है। अपनी समस्या के लिए किसी और पर दोष लगाते हो, प्रभु उसे रोके, वो उसी उत्तर को देता है। तो ये कहता है जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? पहली बात जिसके कारण हम लोग पाप में नहीं जीते हैं इसलिए क्योंकि हम इसके लिए मर चुके हैं। पाप के लिए मर जाना इसका अर्थ क्या है? आप यहाँ पर कब्रिस्तान में जा सकते हैं कोलोराडो स्प्रिंग में और आपको वहां पर सबसे खतरनाक नशाखोर लोग मिलेंगे।
इन सालों के दौरान कई सारे शराबखोर और नशाखोर लोग कोलोराडो स्प्रिंग में पाए गए हैं और उस कब्रिस्तान से आप सबसे बदतर ऐसे शराबी को निकाल सकते हैं। आप उस बक्से को खोल सकते हैं और उसके मरे हुए हाथों को उस बक्से के बाहर निकाल सकते हैं और पैसों के द्वारा जो सबसे अच्छी शराब आप खरीद सकते हैं उन सारी शराब को आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस शराब को वो नहीं पीने वाला। और जानते उस शराब को वो क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो एक मरा हुआ व्यक्ति है। सब लोग कहे मैं मरा हूँ पापों के लिए, परंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। वो कहता कि अपने आप को मुर्दा जानो, वो अपने आप को मुर्दे में गिनो। वो कहता कि अपने आप को ऐसे जानो जैसे परमेश्वर तुम्हें एक धार्मिक के रूप में देखता है। वो जानता है कि आप पाप के लिए मर चुके हैं, आपको उसी बात को मानना है। हम पाप के लिए मर चुके। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया और पहले जिन बातों को आप किया करते थे अब उसे नहीं करेंगे क्योंकि आप मसीह में नई नई सृष्टि हो मसीह यीशु के द्वारा। तो कहता है पहला कारण जिसके द्वारा हम लोग पाप के लिए मर चुके, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, रोमियो 6:3 कहता है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ में गाड़े गए हैं ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरियो में से जिलाया गया वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलने पाए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उससे जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे हम पाप के दासत्व में न रहे। अब मैं पाप के दासत्व में नहीं रहा, मैं अब शैतान का दास नहीं रहा, प्रभु का धन्यवाद। पाप का मेरे ऊपर में अभी कोई अधिकार नहीं रहा, ये आगे बताता है। फिर वचन 7 ये कहता है जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो हमेशा के लिए स्वतंत्र है। तो हमारे पाप न करने का पहला कारण ये है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और दूसरा कारण ये है कि हम लोग पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं, हम पाप के अधिकार से और पाप की सामर्थ्य से आजाद हो चुके हैं। यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु उन यहूदियों से बात कर रहे थे जो उन पर विश्वास किए थे और यीशु उनको इस बात को बताता है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग कैसे स्वतंत्र हो गए? हम किसी मनुष्य के दासत्व में कभी नहीं रहे, हम अब्राहम की संतान है। और यीशु ने उनसे कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्योंकि वे लोग व्यवस्था को जानते थे इसलिए यीशु ने व्यवस्था का इस्तेमाल करके उन्हें बताया कि वे पाप से आजाद नहीं है जैसे वे अपने आप को मानते थे कि वे पाप से आजाद है। लेकिन फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वह हमेशा के लिए स्वतंत्र है। वो कहता है कि दास हमेशा घर में बंधा नहीं रहता है। दास के पास में अधिकार नहीं होता है कि वो अपने स्वामी के घर को देखे, परंतु पुत्र हमेशा बना रहता है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दासत्व में से निकालने के लिए आया हूँ ताकि तुम स्वतंत्र हो सको। मैं तुम्हें दासत्व में से निकाल कर पुत्र के अधिकार में रखने के लिए आया हूँ। क्योंकि वो बेटा घर में पैदा होता है, क्योंकि वो बेटा घर में पैदा हुआ है, पुत्र के पास में घर में रहने का अधिकार होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। आपको दासत्व में से निकालकर पुत्रत्व में रखने के लिए आया, प्रभु का धन्यवाद। तो वो कहता है वो पहली बात जिसके द्वारा हम पाप में नहीं जीते हैं, हम पाप की सेवा नहीं करते क्योंकि हम लोग पाप के लिए मर चुके हैं। दूसरा कारण ये है हम आजाद है इसलिए हम लोग पाप नहीं करते। मैं स्वतंत्र हूँ, पाप के लिए मर चुका हूँ पूरी रीति से, ठीक है। वो इस प्रकार से वचन 8 में कहता है इसलिए यदि मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। इसलिए तो हम लोग अपने कलीसिया में प्रचार करते हैं पाप मत करो, हम हमारे नए जीवन के विषय में प्रचार करते हैं। मेरे नया जन्म पाने के पहले जिस कलीसिया में मैं पला बड़ा था वे लोग प्रचार करते थे उद्धार पाओ, पाप मत करो, पश्चाताप करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पश्चाताप करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पश्चाताप मत करो। तो हमने किया कि हमने उद्धार पाया, पश्चाताप पाया और फिर जाकर पाप करने लगे। फिर वो आया, पश्चाताप किया, फिर जाकर पाप किया, यही तो वो सिखाते थे। और मसीह में आपको एक नया जीवन मिला है अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत योजना बना के रखी है। आप इन सारी बातों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि आपके पास में उन सारी बातों के लिए कोई समय नहीं रहेगा। ये ऐसी कोई बात नहीं कि कोई आपको लुभाए, शैतान आपके पास में आना चाहता है, परंतु परमेश्वर के कामों में आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि शैतान आपको देख कर कहता है कि भला मैं कहीं और जाऊँ। प्रभु की स्तुति, में अंधकार से निकलकर ज्योति में चलकर आया हूँ और यीशु मसीह ही ने मेरे जीवन पर कब्जा बना लिया है और पकड़ बना लिया है। देखिए पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करने के लिए भेजी गई थी क्योंकि लोग यीशु और धार्मिकता पर विश्वास नहीं करते थे और हर वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर धर्मी बनाता है। उसके मारे जाने और उसके पुनरुत्थान में धार्मिकता छिपी हुई है। धार्मिकता इसलिए क्योंकि मैं पिता के पास में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि संसार के स्वामी का न्याय किया गया, शैतान का न्याय किया गया, परंतु वो कलीसिया को मनाने के लिए आया, वो कलीसिया के प्रति परमेश्वर के अद्भुत योजना को प्रकट करने के लिए आया।
अगर आप इस बात को समझ जाते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और कितनी बड़ी योजना को बना के रखा है, आप शैतान की सेवा भली बात के लिए बंद कर देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। जब आप अपने संबंध को पवित्र आत्मा के साथ में मजबूत बनाते हैं, जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तो मैंने इस बात को जाना परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए भली योजना को बना के रखा है। नंबर तीन, मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर के मेरे साथ में एक वाचा है और उसने मेरे साथ में प्रतिज्ञा की है और बाकी संसार के समान मुझे जीने की आवश्यकता नहीं। आशा के बगैर प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन में एक आशा है और मेरा जीवन बदलने लगा और परिवर्तित होने लगा जैसा पहले परमेश्वर परिवर्तित करना चाहता था। ठीक है, क्या आप यह समझ गए? तो आगे बढ़कर इस बात को यहाँ पर ऐसे कहता है, वो कहता है मसीह मरे हुए में से जूठा, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो पाप नहीं करने का पहला कारण है, हम पाप के लिए मर चुके और हम उससे आजाद है। लेकिन ध्यान दे, वचन 12 से लेकर 14 तक में यहाँ पर वो क्या कहता है, इसलिए तुम्हारे। वचन 12 में समझा गया वो शब्द कौन सा है, तुम। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप अधिकार वाले व्यक्ति हो। इसलिए पाप तुम्हारे, तुम तुम्हारे नश्वर शरीर में पाप की लालसाओं के अधीन न रहे और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपो। जब पाप सामने आए समर्पण ना करे, आप खड़े हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके विरुद्ध में अधिकार ले ले, सही है। और जब धार्मिकता आपके सामने आ जाए, परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति आप समर्पित हो जाए। हमारे पास में परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमारे अंदर में रहती है, आमीन। इसी रीति से आप अपने जीवन के बदलाव को समझ पाते हैं। वो कहता है कि पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में हो। प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कभी अनुग्रह के प्रकाशन की प्राप्ति होती है, शैतान फिर आपका कोई स्वामी नहीं रहता है, ना ही वो अधिकार जताता है। धन्यवाद हो प्रभु का, पाप का आपके उम्र में कोई प्रभाव नहीं। तीसरा कारण जिसके द्वारा हम लोग पाप नहीं करते वो ये है कि हमारा पाप पर अधिकार है। पहली बात, इसके लिए मर चुके। दूसरी बात, हम उससे आजाद हुए। तीसरी बात, हमारी इसके ऊपर में अधिकार है। ठीक है, वो आगे ऐसा कहता है, आने वाले कुछ वचनों से आप क्या बात समझ पाते हो, परंतु ध्यान दे वो क्या कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से आजाद हो गए लेकिन परमेश्वर के धार्मिकता के आप दास बन गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने शरीर को कुकर्म के लिए अशुद्धता के लिए खो दिया था, ऐसा पाप जो और पाप की ओर ले जाता है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। इसलिए अपने शरीर को, अपने सिर को, अपने हाथ को, अपने पैर को, हर एक चीज को धार्मिकता के लिए सौंप दे। जानते हैं, आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर की धार्मिकता हो। अगर आप किसी गलत जगह पर जाते हो और अगर आप गलत जगह पर वहां पर बैठे हो, या न देखने वाली बात को आपने इंटरनेट पर देख लिया, गलत जानकारी को मौका देते घर बनाने का, और शायद कोई गलत परिणाम हो, हालांकि आपने नया जन्म पाया था और आपकी आत्मा वैसी शुद्ध है जैसे यीशु ने आपको दिया था, पर अभी भी मन और शरीर बाकी ही है और आप योग्य है। पाप एक भावुक बात है, पाप मूर्ख है, पाप मृत्यु को बनाती है। इस बात को हम लोग आगे देखेंगे उन सारी बातों पर। तो आपको इस बात को जानना है कि मैं सिर्फ एक आत्मा ही नहीं हूँ, मेरा एक शरीर है और मेरा एक मन है। मेरा एक मन है जिसमें मन, शांति और भावनाएं है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे नया बनना है, ताकि वो जो चाहता है वो मैं बन सकूं। अगर आप संसार की सुनते हैं तो वो कहेंगे कि आप अनियंत्रित जानवर हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप से। और आप संसार की नहीं सुनेंगे, आप कोई पागल कुत्ते नहीं हो, आप ऐसे कोई अनियंत्रित जानवर नहीं हो जो अपने भावना और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता। आमीन, आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। और जब आपने मसीह में अधिकार के साथ में जन्म लिया, आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। आपके पास मसीह का मन है, आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की संपत्ति है। आप जूते परमेश्वर की कलीसिया है जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। कृपया आप इस बात को समझ जाए कि आप कौन है। जब आप इसे समझोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जब हम इस बाइबल स्कूल में आपको सिखाते हैं, आप शैतान के समान जीवन नहीं बिताएंगे, आप बेहतर जीना शुरू करेंगे। ये एक प्रक्रिया है। देखिए, ये बात एक रात में नहीं होती, एक रात में आपकी आत्मा बदलती है।
आपके दिमाग को जरूरत है। जिस संसार में आप रहते हो बहुत ही घिनौना और गंदा है, इस कारण अपने दिमाग पर काम करते रहे, निरंतर अपने दिमाग को वचन से धोते रहे। क्यों? जब आप इस बाइबल स्कूल के बाहर जाते हैं, रास्ते में आप किसी व्यक्ति को उस हालत में मिलते हैं, देखिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप इस संसार में रहते हो और यह संसार पाप और शैतान के द्वारा दूषित हुआ है, इसलिए वचन में निरंतर आपके मन को नया बनाना है। जब आप घर जाते हैं, टीवी खोलते, समाचार में आपको बेकार की बातों को देखने को मिलता है, देखिए जो संसार आपको खिलाता है आप उसे नहीं खा सकते हैं, जैसे कि संसार में स्टॉक मार्केट या ऐसी और भी कई सारी अन्य बातें हैं, परंतु जो संसार कहता है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे पता है संसार में क्या चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन उसी समय में मैं इसके द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला। ये मेरी तरीके की कोई बात नहीं है, मैं तो ये वो स्थान नहीं जहाँ मैं जाने वाला, वो मेरा स्रोत नहीं है, मेरा स्रोत परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। मैं उस दिन हमारे चर्च के एडवाइजरी बोर्ड के मीटिंग में था और मैंने कहा कि हमें पैसे की घटी नहीं होगी, और कोई तो भी हमारे पास में आया और कहने लगा कि अभी भी कितनी बिल की राशि देनी है, इतना ही है, बैंक में पैसा है, मैं उसे चुकाऊंगा, हम इसे चुकाना चाहते हैं। मैंने कहा कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास में करने के लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारी हमें करनी है, हम कई नए क्षेत्रों में जाने वाले हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग अपने नए ऑफिस को बना रहे हैं, वो चाहते थे कि ऊपर में ऑफिस बनाए। तब मुझे ये बात पता चली कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं पहले से एक काम में व्यस्त था, इसमें कड़ी मेहनत थी, मैं इसके साथ में व्यवहार नहीं करना चाहता था क्योंकि ऑफिस में इतनी जगह नहीं थी। तो हम लोग पूर्वी दिशा में 5 ऑफिस के कार्यालय को बना रहे हैं, बढ़त के लिए तैयार हो रहे हैं। आप कहेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, हमें और अधिक काम वाले लोगों की आवश्यकता है क्योंकि बढ़ती आ रही है यीशु के नाम से। लेकिन मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर सिर्फ लीगल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में बैठकर कुछ अगुओं के साथ में समय बिता रहा था। ये आर्थिक व्यवस्था तो ऐसी ही है, ये मेरी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ये मेरा स्रोत नहीं है, और न ही मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ क्योंकि ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग प्रचार तो करते हैं लेकिन संसार में जो प्रचार किया जाता है उस पर उनका ध्यान होता है, वो इसी बात पर ध्यान देते हैं और इसी प्रकार के परिणाम भी वो पाते हैं। संसार जो परिणाम पाता है वैसे आपको पाने की आवश्यकता नहीं, आपको अलग परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की संतान हो। पिछली बार मैंने जांचा था, उसकी अच्छी कीमत थी। मेरी बात समझ पा रहे? परमेश्वर कहता है कि मैं अपने धन की महिमा के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, बेहतर है कि मैं इस संदेश को खत्म कर लूं। हालेलुया। देखिए मेरे कहने का अर्थ क्या है कि संसार आपको बदल ना पाए, आपके मन को आपको नया बनाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके शरीर को आपको समर्पित करना है, आपकी आत्मा राजा होने की आवश्यकता है और आपका शरीर आपकी आत्मा का दास, और आपका शरीर आपका दास होने की आवश्यकता है। आपका शरीर अधिकार न लेने पाए लेकिन आप अपने शरीर पर अधिकार ले। आपका शरीर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया एक संपत्ति है, सिर्फ आपका शरीर ही नहीं लेकिन 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20 में लिखा है। आमीन। जान ले कि आप आत्मा में कौन हो, जान ले कि परमेश्वर ने आपको आत्मा में क्या बनाया है। उसके कहने का अर्थ क्या है कि पाप अब आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई राज नहीं कर सकता है। पहली बात, आप मर चुके हो, दूसरी बात आप आजाद हो, तीसरी बात आपके पास में अधिकार है, और नंबर 4 पाप मृत्यु को मनाता है, और अंत में पाप आपके द्वारा क्या लेता है और आपसे क्या कराता है आप उसे पसंद नहीं करते। पाप आपको लंबी दूरी तक लेके जाएगा और लंबे समय तक एक ही जगह बना के रखेगा और आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कहता है कि तुम पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास बन चुके हो। सब लोग कहे मैं पाप से मुक्त हूँ। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, तो वो कहता है तुम्हारे नया जन्म पाने के पहले या तो तुम पापी या फिर संत थे। आत्मा में तो तुम पाप के दास थे लेकिन तुम धर्मी व्यक्ति नहीं थे। सही है। उसने उनसे कहा कि उस समय में तुम्हें क्या फल मिलता था जिस फल को लेकर आज तुम लज्जाते हो। नया जन्म पाने के पहले ऐसी कई सारी बातें हैं जिसके विषय में मुझे लज्जा लगती थी जब से मैंने नया जन्म पाया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं उन सारी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी किसी प्रकार से लज्जित नहीं होगा। ये तो मेरी पहचान बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये अंतर समझने की आवश्यकता है कि आप कौन थे और कौन है। आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो, मसीह में तुम रचे गए हो। धर्मी,
आप प्रिय के रूप में अपनाए गए हो। परमेश्वर ने आपको अपनाया है इसलिए नहीं क्योंकि आप क्या हो और आपने क्या किया, जो यीशु है और जो उसने किया इसके कारण परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है। परंतु अब इस बात को समझ जाओ कि अब तुम क्या हो। अब परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता परमेश्वर की धार्मिकता का बाहरी एक कार्य है। कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि पवित्रता उनका एक कार्य है लेकिन ये तो असल में उसका भाग है। परंतु वे लोग ये नहीं सोचते कि आप हो, क्योंकि कुलुसियों पहला अध्याय ये कहता है, वहाँ पर वचन 20 के करीब ये कहता है, आप मसीह के मारे जाने और पुनरुत्थान के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं। आप यीशु के लहू के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं। यीशु ने कहा है पवित्र बनो। पत्रस ये कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस ये कहता है आप यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पवित्र ठहरे हो और वो पवित्रता तभी सिद्ध होती है जब उसकी पवित्रता आप में से बहने पाए। पवित्रता इस पर आधारित नहीं होती कि आपके बाल कितने लंबे हैं, आप कितना मेकअप लगाते हैं या नहीं लगाते, या किस रंग के कपड़े आप पहनते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए मायने रखते हो लेकिन पवित्रता इससे नहीं नापी जाती है। पवित्रता एक अंदरूनी कार्य है जो आपके अंदर में करता है। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप लोग पवित्र बनाए गए हो। यह आपको अंदर से पवित्र बनाता है और आप इस बात को जानते हैं कि आपका बाहरी रूप भी बदलेगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास पवित्रता के फल होंगे। वो बाहरी रूप के विषय में बोल रहा। वो कहता है परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और वो अनंत जीवन है। परमेश्वर के संबंध में आप चलते हो, आपकी चेतनाएं उसमें गहरी हो चुकी है। वो कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप निरंतर उन सभी बातों को करना जो आप करना चाहते थे और पुरानी जगहों पर जाना और फिर आप सोचते कि आप ये नहीं कर पाएंगे, पाप की मजदूरी, तो आप एक ऐसे फल को पाएंगे जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते और वो मृत्यु है। तो पाप न करने के 4 मुख्य कारण हैं। पहली बात, हम उसके लिए मर चुके हैं। दूसरी बात, हम लोग से आज़ाद है। और तीसरी बात, हमारा उस पर अधिकार है। और चौथी बात, ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। और शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। परंतु यीशु जीवन देने के लिए आता है, वो है बहुतायत का जीवन। और वो जो जीवन होता है वो संपूर्ण होता है और आज़ादी का होता है। प्रभु का धन्यवाद, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर का वरदान, हर कोई कहे परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। उसका धन्यवाद, मैंने उस वरदान को प्राप्त कर लिया है, धार्मिकता का, और मैंने अनंत जीवन का वरदान पा लिया है। मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है जो मेरे लिए खरीदा गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो वो जय में रहने के विषय में आपको बताता है। पहली बात कि आपके पास में नई पहचान है। दूसरी बात, और वो कौन सी बात है जो आप चाहते हैं, क्यों पाप में आप और अधिक रहना नहीं चाहते क्योंकि अंततः ही आपको मारता है। सही है, परंतु वो सिर्फ इतना ही नहीं कहता, सिर्फ पाप ही आपको नहीं मारता है। और रोमियो 7वां अध्याय ये कहता है कि व्यवस्था तुम्हें मार डालेगी। और यही बात तो वो, आइए हम देखते हैं अध्याय 7 में उन सारे वचनों को। वो कहता है भाइयों तुम नहीं जानते। देखिए रोमियो 1 अध्याय में वो क्या कहता है। वो कहता है कि अन्य जाति हर प्रकार के पाप में फंस चुके हैं, झूठ, लालच, अभिलाषा, उन सारे अधर्मी बातों में, समलैंगिकता और पुरुषगमन और इस प्रकार की सारी बातों में वह फंस चुके थे। पाप को जाने देने से वो बेकाबू होता है। सही है, परंतु वो कहता है कि आप पाप में नहीं जीना चाहते क्योंकि आपको मारेगा। लेकिन दूसरे अध्याय में वो कहता है कि यहूदी लोग भी व्यवस्था में फंस चुके हैं, वे भी अन्य जातियों के समान पाप करते हैं, उन्हें भी धार्मिकता की आवश्यकता है। और फिर रोमी 6 अध्याय में वो कहता है कि विश्वासियों को भी मसीह के साथ में मेल करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु से मेल खाते हैं तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। सही है, परंतु रोमी 7वें अध्याय में वो कहता है कि आप यीशु के साथ में मेल खाना चाहते हो सिर्फ पाप से मुक्ति के लिए ही नहीं, परंतु व्यवस्था से भी आप मुक्ति पाना चाहते हो, या प्रदर्शन या अपने आप पर भरोसा करने के द्वारा। क्योंकि ये कहता है कि जैसे रोमियो 6 में कि पाप आपको मार डालेगा, रोमियो 7वें अध्याय में वो कहता है व्यवस्था आपको मार डालेगी। आइए इसके विषय में देखते हैं। भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से ये कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब तक आप जीवित हो व्यवस्था आप पर रहती है। अगर आज मैं मुख्य मार्ग पर जाकर 80 की रफ्तार से गाड़ी चलाऊं और वह मुझे टिकट दे और कहे या तो कोर्ट में आना पड़ेगा या फिर दंड को चुकाओ, और मैं कोर्ट में जाना पसंद करता हूँ, और कोर्ट की तारीख के दरमियान मेरी मृत्यु हो जाए, परमेश्वर बचाए,
देखिए, इस बात का मात्र मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज मैं जाकर ऐसी गाड़ी चलाऊंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, ठीक है। परंतु तो अगर आपने अगर ऐसा किया है और कोर्ट की तारीख के दरमियान आप मर जाते हैं तो क्या होता है? जब वे कोर्ट में जाएंगे तो कानून का आप पर में कोई भी अधिकार नहीं होगा, वे आपको खोज नहीं पाएंगे। वे इसलिए नहीं खोज पाएंगे क्योंकि आप एक मरे हुए व्यक्ति हो। आप मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए, आप मर चुके हो, और व्यवस्था की पकड़ तब तक बनी रहती है जब तक आप जीवित हो। अगर मेरे पास में चालान कटा है तब भी, या फिर मान लो मैंने किसी की हत्या कर दी है और मान लो बेल लेकर मैं जेल के बाहर निकल आया और उन लोगों ने मानो जैसे मैं कोर्ट में गया और फिर मैंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि अगली सुनवाई, अगर मान लो अगली सुनवाई के दौरान अगर मैं मर जाऊँ अगली सुनवाई के पहले दिन, वे मुझे जेल में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं मरा व्यक्ति हूँ। जब तक मनुष्य जीवित रहता है व्यवस्था उस पर बनी रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। जैसे मेरी पत्नी और मैंने वाचा बांधी थी, ये विवाह और तलाक के विषय में बात नहीं कर रहा, ये उसके विषय में नहीं है, तो इसमें आप गड़बड़ी में न पड़ जाए, ठीक है। पौलुस इसके विषय में दूसरी जगह लिखता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था और अनुग्रह है, वो यीशु के साथ में संबंध के विषय में बोल रहा है, इसलिए वो इसका उदाहरण दे रहा है। इसलिए जब मेरा और मेरी पत्नी का विवाह हुआ, हमने वाचा बांधी और हमने कहा मृत्यु तक हम साथ में रहेंगे, मृत्यु तक साथ में रहेंगे, और इसलिए अपनी वाचाओं को हम विश्वास के साथ में एक साथ बांधते हैं। जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति वफादार और ईमानदार रखूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी जो हमने वाचा बांधी थी उसके साथ बंधी नहीं है। सही है, तो ध्यान दीजिए वो क्या कहता है, अगर पति मर जाए तो पति की व्यवस्था से छूट गई, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी और पुरुष की हो जाए तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। इसलिए अगर हम विवाहित है और वो जाकर किसी और पुरुष के साथ में विवाह कर ले, वो व्यभिचारिणी कहलाई जाएगी, सही है। परंतु तो अगर पति मर जाए वो व्यवस्था से मुक्त है और जिस किसी भी पुरुष के साथ में विवाह करना चाहती वो कर सकती है। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन चुके हो। जब यीशु मरे तो आप सिर्फ पाप के लिए ही नहीं मरे परंतु व्यवस्था के लिए मरे, क्योंकि व्यवस्था की आप पर पकड़ थी जब तक आप जीवित थे, लेकिन आप मसीह के साथ में मर चुके, आप मसीह में व्यवस्था के लिए मर चुके। व्यवस्था आपके द्वारा कुछ करवाना चाहती थी जिसे आप बिल्कुल कर नहीं सकते थे, और इसे न करने का कारण यह है कि क्योंकि आपके अंदर में इसे करने की कोई भी सामर्थ्य नहीं थी। सही है, मेगन यहाँ पर आओ, मेगन यहाँ पर है, वो मसीह में बहुत ही सुंदर है, और मैं चाहता हूँ कि इस समय में कोई एक जवान भाई जो कि अच्छा दिखता हो सामने आ जाए, विवाहित नहीं लेकिन अविवाहित कोई तो भी आगे आ जाए, जल्दी से कोई तो भी आ जाए। यहाँ पर एक भाई है जो आगे में बैठा है, क्या तुम विवाहित हो? हाँ विवाहित है। कौन अविवाहित है? मुझे किसी को चुनने दे। ठीक है, कौन अविवाहित है? कौन है? ठीक है, कोई तो भी वहां से पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि मेगन और ट्रेविड का विवाह होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे ईसाई ऐसा सोचते हैं कि जब उनका विवाह हो जाता है वे सोचते हैं सब कुछ हंसी खुशी होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन असलियत ये नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पिल्ले का प्रेम कुत्ते की ओर ले जाता है, ठीक है। तो वे एक दूसरे को जानते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ में विवाह कर लेते हैं। जब उनका विवाह होता है तो अचानक से वे फिर हनीमून के लिए जाते हैं, और फिर वे लौट कर आते हैं हनीमून से, और फिर मेगन का जिस प्रकार के घर में पालन पोषण हुआ था वो मानो ऐसा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन तो जीना ही है, यहाँ पर थोड़ी धूल पड़ी है, वहां पर थोड़ी धूल पड़ी है। परंतु ट्रेवर वैसे घर में रहा करता था जहाँ उसकी माँ परफेक्ट थी, और उन्होंने दरवाजे पर एक तख्ती टांग के रखा था, वहां लिखा था जूते बाहर रखो बिल्कुल दरवाजे के पास, और फिर मेगन वो मानो जैसे कि स्पेगेटी खाती थी और फिर बर्गर खाते थे और फिर पपाया खाते थे, आप जानते हैं जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगता था वो खाते थे, लेकिन ट्रेवर वो तो ऐसे घर में रहते थे जहां पर वो खाते थे रिबाई स्टेक बाम रिब सैमन। हाँ मुझे नहीं पता कि वो इस स्तर में आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हालेलुया, मुझे नहीं लगता कि वो इसके योग्य है, प्रभु की महिमा हो। वे फ्राइड चिकन खाया करते थे और मानो लगभग हर दिन वो अच्छा खाना खाया करते थे, हर रात को अच्छा खाते थे, और फिर उनका विवाह हुआ और फिर वे हनीमून से लौट कर आए, फिर अचानक से वो घर लौट कर आए और उसने अपने जूते जानते हैं जैसे कि
लेकिन उसने परवाह नहीं की। जैसे उसने अपने जूते बाहर रखे, लेकिन उसके जूते अभी भी वो पहने रखी थी और वे अंदर में वहां पर आए और उसने फिर स्पेगेटी बनाई और फिर उसने पूछा कि ये स्पेगेटी क्या है। हम कभी भी स्पेगेटी नहीं खाते हैं, तो उसने कहा। लेकिन उसने कहा कि लेकिन हमारे घर में तो हम लोग रिब एंड स्टेक खाते हैं। हमारे साथ ये सब बातें होते हैं, इसलिए वो घर आती है और कुछ रिब एंड स्टेक्स को खरीदती है, लेकिन लेकिन वो उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं देता है, वो अपने पैसे से खरीदती है। तो फिर वो बनाती है रिब एंड स्टेक्स को और फिर अच्छे से खाता है रिब एंड स्टेक को, और फिर बाद में उसे पता चलता है कि अभी बर्तन बाकी है, वो अभी गंदे है। तो वो कहता है कि हाँ ये देखो अभी भी बर्तन बाकी है, देखो बर्तन तो बढ़ते जा रहे हैं और देखो किचन भी गंदा होते जा रहा है। तो वो हर दिन घर में आती है, रिब एंड स्टेक को पकाती है, वो अच्छे से खाता है और फिर बर्तन को भी साफ करती है और बाकी सारे कामों को भी करती। और बाद में पता चलता है कि उसने साफ सफाई नहीं की, इसलिए कहता है कि हनी देखो यहाँ पर थोड़ा कचरा पड़ा है, इस कोने में जाकर वहां पर उसको साफ करो। यही तो व्यवस्था है, और व्यवस्था के साथ में विवाह करने से ऐसा ही होता है, और आप व्यवस्था के द्वारा किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और फिर इसलिए अगले दिन वो रिब एंड स्टेक बनाती है, फिर बर्तन धोती है, बर्तन धोने के बाद वो साफ सफाई करती है, परंतु टॉयलेट तो अभी भी गंदा है। आप जानते हैं टॉयलेट के लिए कौन जिम्मेदार है, और सारी स्त्रियां इसमें सहमत है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरी पत्नी कहती है कि उस लीड को नीचे डालो, ये बहुत ही बुरा दिखता है, लेकिन मेरे माँ ने कहा ऊपर रखो क्योंकि ये गंदा होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे घर में रहती हो, तुम मेरी माँ ही हो, इसलिए तुम बेहतर है नीचे रखो। हाँ जी मैम, प्रभु की स्तुति हो। उस दिन मैं एंड्रू के साथ में था और बता रहा था कि कोई तो भी मेरे लिए काम करता था, और मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई बलवान पुरुष या स्त्री मुझे बताए कि ये करे या ना करे। उन्होंने कहा कि घर जाओगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। फिर भी और ऐसा उनका जीवन चल रहा था, और आप जानते हैं मेरे कहने का अर्थ है कि आप उस कहानी को समझते हैं। तो वो घर में आता है, रिबन स्टैक खाता है, बर्तन धुले हुए है और साफ सुथरा है और सब कुछ अच्छा है, परंतु अब हनी तुम्हारा मेकअप, क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकती हो? हाँ तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है, सच में। मेरी बातों को समझ पा रहे? वो सारी बातों को करती है, मेरा मतलब वो ना बोल रही हो, शायद वो विरोध कर रही। तो वो रास्ते पर जाते हैं और उन चीजों को खरीदते हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि चाहे वो कितना भी करे उसमें एक मांग होती है। पहले वो उसके घर में आने का इंतजार खुशी से किया करती थी, लेकिन अब जब वो घर में आता तो उसको उतना आनंद नहीं होता है, और उसको प्रमोशन मिलता है और वो एक लाइफ इंश्योरेंस भी पाता है। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था तो एक ट्रेन ने उसे मार दिया और उसे $1 million का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है और वो खुशी खुशी रहती है। वो मर गया, वही व्यवस्था थी, ट्रेवर व्यवस्था थी, क्योंकि व्यवस्था इन्हीं सभी अच्छी बातों से आपसे मांग करती है और आप इतनी अच्छी बातों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी आता है नोएल। अब नोएल बहुत ही अच्छा एक आदमी है, तो उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो इस बात को फिर से एक बार आजमाएगी। अब नोएल भी ऐसे घर से था जो कि अनुशासित घर था और एक अच्छा व्यक्ति है, परंतु नोएल अपने स्वभाव में थोड़ा अलग है। नोएल उसे बहुत अच्छी रीति से समझता है। जब वो अच्छा नहीं पका पाती तो कहता है हनी इसे ऐसे पकाओ, और जब वो बर्तन साफ कर रही होती तो वो जाकर उसे वहां मदद करता है, और आप जानते हैं कि वो तो उसे उसे साफ सफाई करने के लिए भी मदद करने के लिए आगे दौड़ता था। और आप जानते हैं कि उस व्यवस्था के पहले, और वो मेगन से कहता था कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और जितना ज्यादा नोएल उसे बताता था उतना ही ज्यादा मेगन और सुंदर होती चली गई, और जो कुछ भी वो कर सकती थी उससे और बेहतर करने लगी। क्यों? तो वो पहले से और भी अच्छी रीति से क्यों करने लगी? और इस कहानी का यही सारांश है कि ड्राइवर जो था वो एक व्यवस्था थी और नोएल जो है यीशु है। तो व्यवस्था आपसे उन्हीं बातों की मांग करते हैं जिन बातों को आप कर नहीं पाते हैं, और जितना ज्यादा कोशिश करते उतने ही असफल हो जाते हैं, और जितना असफल होते उतना आप प्रयास करते हैं और आखिरकार ये आपको मार देता है। लेकिन फिर यीशु सामने आते हैं, और फिर यीशु, असलियत तो यह है कि व्यवस्था नहीं मरी थी, वो तो अभी जीवित है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक व्यवस्था की उस पर सामर्थ होती है, परंतु सत्य यह है कि जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु आपके लिए क्रूस पर मारे गए, आप भी यीशु के साथ में उस क्रूस पर मारे गए। हालांकि व्यवस्था अब भी जीवित है, थोड़ा खड़े हो जाओ, व्यवस्था जीवित है और व्यवस्था में सामर्थ है। अब व्यवस्था के आपके ऊपर में कोई सामर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में हो, आप यीशु मसीह में छिपे हुए हो, और आप यीशु मसीह में नई सृष्टि
बन जाते हैं। और जब आप यीशु के साथ में मरते हैं और अब आप व्यवस्था के लिए मर चुके, आप सिर्फ पाप के लिए ही नहीं मर चुके हैं, आप व्यवस्था के लिए मर चुके। तो जब आप व्यवस्था के लिए मर चुके और पाप के लिए मर चुके हैं, तो अब आप हम मसीह में बिल्कुल एक नए व्यक्तित्व बन जाते हैं। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक व्यवस्था उसके ऊपर में कोई अधिकार नहीं जता सकती। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे। तो यही तो उस कहानी का सारांश है। तो हम सिर्फ पाप के लिए ही नहीं लेकिन व्यवस्था के लिए भी हम लोग मर चुके हैं। पौलुस इस प्रकार से रोमियों 7वें अध्याय में ये कहता है और वो उस मनुष्य के विषय में बात करता है जो व्यवस्था में रहता है। तो वो यहाँ पर साधारण मसीह अनुभव के विषय में बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है। वो कैसे था वो इसके विषय में बात कर रहा है, यीशु मसीह को पाने के पहले। और कितने लोगों को पता है कि धर्म आपको नाश कर देता है? ईसाइयों को मारने के लिए वो मार्ग में जा रहा था और उसकी मुलाकात यीशु के साथ में वहां पर होती है। और यीशु जब उसको मिलने के लिए आता है तो उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है। लेकिन रोमियों 7वें अध्याय में वो यहाँ पर क्या कहता है, हम इस बात को ध्यान से देखेंगे। कई सारे लोग इसका प्रचार करना नहीं चाहते। इस प्रकार से वो वचन 14 में कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है लेकिन समस्या तो मेरे साथ में है। मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ, मैं पाप का दास हूँ। वो पुराने मनुष्यत्व के विषय में बात कर रहा है। आप कौन थे उसके विषय में बात कर रहा है? आपके नया जन्म पाने के पहले। वो यहाँ पर सामान्य मसीह अनुभव के विषय में बात नहीं कर रहा। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में वो अपने अनुभव को यहाँ पर बांट रहा, जो मैं करता हूँ उसको मैं नहीं जानता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, जिसे मुझे घृणाती वही करता हूँ। ये कोई सामान्य मसीह अनुभव नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो व्यवस्था की मानसिकता के साथ में जीवन बिताता है। और यही तो व्यवस्था करती है, ये आपको मार देती है। फिर वो कहता है कि अब मैं ये जानता हूँ, वो कहता है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इस बात की करने की इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। फिर आगे में वो यहाँ पर कुछ बातों को इस प्रकार से लिखता है। तो वो इस प्रकार से वचन 24 में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाने पाएगा। मैं किस प्रकार से इस पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पा सकता हूँ? वो कहता है, मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देता हूँ। मैं मसीह में एक नए जीवन को प्राप्त करता हूँ। मैं मसीह में एक नई सृष्टि बन गया हूँ। मैंने मसीह में एक नई आत्मा को पाया हूँ। मैं एक नया व्यक्तित्व बन गया हूँ। और फिर वो आगे रोमी 8वें अध्याय में इस बात को बताता है। वो एक विश्वासी होने के नाते हमारे जय के सच्चे स्रोत के विषय में बोलता है, जो कि आत्मा का एक जीवन है। और रोमी की किताब में सिर्फ 4 बार ही पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है, रोमी 8वें अध्याय के पहले। और फिर रोमी 8वें अध्याय में वो इस आत्मा का जिक्र करीबन 20 बार करता है। दरअसल जब हमने एंड्रू ममक के बाइबल स्कूल को शुरू किया था, माफ करना, बाइबल स्टडी को, करीबन 33 साल पहले, मेरी माँ ने कुछ इस प्रकार कहा, हमें चर्च को खोलने की आवश्यकता है, उस चर्च का नाम रखना चाहिए रोमियो 8वां अध्याय। और उन्होंने ऐसा कहा, वो इस प्रकार कहता है कि अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। जिस बात को व्यवस्था नहीं कर पाई, जो शरीर के द्वारा कमजोर हो चुकी थी, परमेश्वर अपने स्वयं के पुत्र को एक पाप में शरीर के स्वभाव में भेजता है और पाप के लिए वो उस पर पाप की ताड़ना डालता है, ताकि हमारे अंदर में व्यवस्था की धार्मिकता हमारे द्वारा पूर्ण की जाए, जो शरीर के पीछे नहीं दौड़ता है परंतु आत्मा के पीछे दौड़ता है। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो यहाँ पर नई सृष्टि के व्यवस्था के विषय में बता रहा है। प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु यीशु में मसीह की एक नई सृष्टि हूँ, और ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये मसीह की आत्मा है जिसने मेरी आत्मा में अपने घर को बना लिया और इसने सब कुछ बदल दिया। फिर वो आगे 5वें और 6वें वचन में कहता है और वो हमें इस प्रकार से बताता है, नई सृष्टि की जो एक मानसिकता होती है उसके विषय में, क्योंकि जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं वो लोग शारीरिक बातों को करते हैं, परंतु जो आत्मा पर और आत्मिक बातों पर ध्यान लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका अर्थ होता है कि पुराने मनुष्य के समान जीवन जीना और वैसा ही स्वभाव रखना उस व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि सिर्फ संसार ही मन में शारीरिक नहीं है, बहुत सारी कलीसिया भी शारीरिक बातों पर मन लगाती है। व्यवस्था यानी शारीरिक बातों की मानसिकता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मानो शरीर वो मांस और मृत्यु है। कार्ने असाडे, क्या कभी आपने इसे खाया है? कार्ने असाडे मुझे अच्छा लगता है, किसी को मैक्सिकन फूड बहुत ही अच्छा लगता है। हालेलुया, ठीक है, वो आपके शरीर के विषय में कहता है, आपका शरीर आप पर राज न करने पाए, आप 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दबाए नहीं जा सकते हो। आत्मा को आपके ऊपर में राज करने की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा को राज करने के लिए आत्मिक मन के होना है।
ये आत्मा में शांति है। यीशु ने कहा, जिन शब्दों को मैं तुम्हें बताता हूँ ये है यूहन्ना 6 अध्याय उसके 63वीं आयत में, वे आत्मा और आपके लिए जीवन है। वचन के अनुसार मन लगाना यानी आत्मा के अनुसार मन लगाना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। वचन 7 में ऐसा लिखा है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही ये हो सकता है। और फिर वचन 8 से लेकर वचन 11 तक वह नई सृष्टि के वास्तविकता के विषय में बोलता है। तो वे लोग जो शरीर में रहते हैं प्रभु को प्रसन्न नहीं करते। जब वो शरीर में रहने के विषय में बात करता है वचन 8 में, तो वो बोल रहा है ये वे लोग हैं जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। वो इसके विषय में नहीं बोल रहा, वो तो बता रहा कि जो लोग शरीर में हैं, और आप उस बात को ले सकते हैं और यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। रोमियो 7वें अध्याय के साथ, और आप देख सकते हैं कि वो उस व्यक्ति के विषय में बोल रहा है जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। और इसलिए वो कहता है जो शरीर में है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु तुम शरीर में नहीं हो, वचन 9 में, परंतु आत्मा में हो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आप यहाँ या वहाँ हो, या तो आप विश्वासी हो या तो अविश्वासी हो, या तो आप परमेश्वर की संतान हो या फिर शैतान की संतान। वो कहता है यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं है। और वह कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रभु का धन्यवाद, मेरी आत्मा जीवित है क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ सही संबंध है। क्या ये अच्छा नहीं? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, जिसने मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह में भी एक जान को लेकर आएगा अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। वो आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दे में से जिलाकर उठाया, उसने मेरे अंदर में एक निवास स्थान को बनाया है। मेरे अंदर मसीह की आत्मा है जो मुझे उठाती है। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो मुझ में जीवन डालती है। प्रभु का धन्यवाद। वो उस नई सृष्टि की वास्तविकता के विषय में बात कर रहा, और फिर वो बताता है कि आत्मा किन बातों को उत्पन्न करती है। ध्यान दे यहाँ पर क्या लिखा है। वो कहता है इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है वो आपकी अगुवाई करता है पुत्र के रूप में, सही है। वह कहता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम फिर भयभीत हो। वो आपको आजादी की ओर ले जाता है, व्यवस्था की ओर नहीं, परंतु तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे तुम है अब्बा है पिता कहकर उसे पुकारते हो। वह संतान की ओर ले जाता है, वह आजादी की ओर ले जाता है। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ में मिलकर इस बात की गवाही देता है कि हम लोग परमेश्वर की संतान है। वह हमें पुत्रत्व की ओर ले जाता है और आजादी की ओर ले जाता है, और फिर संतान जो वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, वो हमारी अगुवाई करता है अलौकिक ऐसे हक की ओर। मसीह में जो हमें मिला है हमारी उसमें अगुवाई करता है। वो कहता है अगर हम संतान है तो उसके वारिस है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ भी यीशु का था वो सब बातें अब मेरी हो चुकी है। अब मैं यीशु मसीह के साथ में उसकी तुलना में उसके वारिस के रूप में हूँ। मैं सर्वसम्मति परमेश्वर का पुत्र हूँ। और फिर वो आगे पूरे 8वें अध्याय में बताता है, और आत्मा में जो हमारी आशा है उसके विषय में बोलता है। आत्मा हमारे अंदर में पुत्रत्व, आजादी और प्रतिज्ञा उत्पन्न करती है। आत्मा हमारे अंदर में आशा उत्पन्न करती है और हमारी कमजोर में मदद करती है, और उसका लक्ष्य यही है कि हम लोग यीशु के प्रतिरूप में बदलते जाए। हम लोग पहले से निश्चित किए गए और ठहराए गए, हम लोग महिमावंत है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है। उसके बाद वो ये कहता है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। पुत्र के साथ में उसने हमें सब बातें मुफ्त में दे दी है। वो कहता कि अनंत काल के लिए परमेश्वर हमारा है, अनंत काल के लिए वो भला है, उसने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई, इसलिए उसने हमें यीशु को दिया, उसने सब कुछ दे दिया। और फिर वो कहता है अब हम सबको यही करना है कि हमें उसके प्रेम के साथ में सिर्फ जुड़ना ही है। मैं इस बात में निश्चित हूँ कि ना तो जीवन ना तो मृत्यु ना तो कोई सामर्थ्य या प्रधानता या जो बातें हैं या आने वाली बातें, ये कोई भी बात ऐसी जो मौजूद है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। आत्मा मेरी अगुवाई करती है मेरे स्वर्गीय पिता के साथ में उस प्रेम संबंध की ओर यीशु मसीह के द्वारा, और ये सब बातों को बदलती है। और जब मैं इस बात को समझ जाता हूँ मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में जयवंत होकर फिर चलने लगूंगा।